हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इसकी पहली वीडियो में हमने इसके डिटेल में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को किया था। आज की इस वीडियो में हम इसे सारे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 16 तक क्वेश्चन हमने हल कर लिया था, ये आज का 17वां क्वेश्चन है। और 17वां क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह स्मारक किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर या मेघालय। जो इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक है। पट्टदकल समूह के स्मारक को 1987 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। 18वां क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं जिसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जिसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है। क्या आपका उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका ग्रेट लिविंग चोला मंदिर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क इसे भी 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह काफी चर्चित स्थान है, इसे आप लोग भलीभांति जानते होंगे। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि पश्चिम बंगाल का एक नया जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ा है वो कौन सा है। शांति निकेतन आश्रम जो 41वां आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। यह इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट की यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है। क्या आपका नागालैंड में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, उत्तराखंड में या राजस्थान में। तो उत्तराखंड में ही आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट की यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार जिसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्या आपका दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, चंडीगढ़ में है या लक्षद्वीप में है। तो आपका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, दिल्ली में इसका स्थित है। यार यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप जिसे 1989 में दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है। क्या आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं जिसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है। क्या छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में। तो यह महाराष्ट्र का काफी चर्चित स्थान है, एलोरा की गुफाएं यह महाराष्ट्र में आपका स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल जिसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था और यह पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो इससे सभी लोग परिचित हैं, आगरा का ताजमहल यह सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट की यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन 1999 में जिसे दर्जा दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, यह किस राज्य में स्थित है। क्या यहाँ पे आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और हम देख लेते हैं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के में शामिल भारत की 3 पर्वतीय रेलवे लाइन, तो कौन कौन सी है। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे जिसे 1999 में दर्जा दिया गया था, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जिसे 2005 में आपका यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है कालका शिमला रेलवे जिसे 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे दोस्तों, जिसे 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपका ऑप्शन है नागालैंड, उड़ीसा, उत्तराखंड या राजस्थान। तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल
हुमायूं का मकबरा जो जिसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में स्थित है? आपका ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख या चंडीगढ़। जो हुमायूं का मकबरा है यह आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो छोड़िए, या जीके में भी, स्टैटिक जीके में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे उठता है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन, जो नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन है जिसे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी क्या यह उड़ीसा में है, राजस्थान में है, सिक्किम में है या तमिलनाडु में है? तो जो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है, वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन, कौन सा? कालका शिमला रेलवे लाइन जिसे 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? क्या वह हिमाचल प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपका कालका शिमला रेलवे लाइन स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जिसे 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये क्या आपका पंजाब में है, बिहार में है, असम में है या त्रिपुरा में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है बिहार, बिहार में यह महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स स्थित है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर जिसे 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था यूनेस्को द्वारा, यह किस राज्य में स्थित है? क्या आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में ही आपका भीमबेटका रॉक शेल्टर स्थित है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, जो मध्य प्रदेश के और तीन इंपॉर्टेंट स्थल हैं जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, उसमें पहला है आपका खजुराहो समूह के स्मारक जिसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में, और भीमबेटका रॉक शेल्टर जिसे 2003 में, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरोन, क्या गागरोन का किला जिसे 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था यूनेस्को द्वारा, यह किस राज्य में स्थित है? क्या आपका सिक्किम में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है या राजस्थान में है? तो राजस्थान में ही क्या है आपका गागरोन का किला, गागरोन का किला कहाँ है आपका, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले, जिसमें पहला क्या है रणथंभौर का किला, कहाँ है आपका, सवाई माधोपुर है, ठीक है। और दूसरा क्या है आमेर का किला, यह कहाँ है, यह आपका जयपुर में है। सुनारगढ़ का किला, यह कहाँ है, जैसलमेर में है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। गागरोड़ का किला, यह कहाँ है, झालावाड़ में है। और कुंभलगढ़ का किला, यह कहाँ है, राजसमंद, राजसमंद में। यह आपके 6 राजस्थान के किले हैं यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे 2004 में क्या है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? क्या आपका महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, झारखंड में है या कर्नाटक में है? तो दोस्तों यह काफी चर्चित स्थान है, काफी चर्चित स्थान है, यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है और ये इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जिसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? क्या यह त्रिपुरा में है, केरल में है, गोवा में है या गुजरात में है? तो यह कहाँ स्थित है, यह गुजरात में स्थित है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के 4 जो और अन्य है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है, ठीक है। ये पहला हो गया आपका जो अभी मैंने बताया, चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जिसे 2004 में यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया गया था। एक है रानी की बाव जो 100 रुपये की आपके नोट पे भी है, ठीक है, जिसे 2014 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। डायरेक्ट 100 रुपये की पूछेगा कि नोट पे कौन सी
इमेज है तो रानी की बावर, ठीक है। अहमदाबाद, अहमदाबाद जिसे 2017 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। एक है धोलावीरा, एक धोलावीरा जिसे 2021 में, ठीक है, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स जिसे 2007 में, कहाँ कब, 2007 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो क्या यह चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, लक्षद्वीप में है या पुडुचेरी में है? तो जो लाल किला कॉम्प्लेक्स है यह आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर 2010 किस राज्य में स्थित है? तो क्या यह राजस्थान में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है या उड़ीसा में है? तो जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थित है जंतर मंतर, जो जिसे 2010 में शामिल किया गया था, यह आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में यह स्थित है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाटी की पहाड़ियां कौन सी? अगस्त्यमलाई जिसे 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? क्या यह तमिलनाडु में है, केरल में है या उपरोक्त दोनों में या त्रिपुरा में है? तो यह जो है अगस्त्यमलाई जो है की पहाड़ियां यह केरल और तमिलनाडु दोनों जगह स्थित है। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु दोनों, उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ताल कावेरी जिसे 2012 में शामिल किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर या मेघालय। तो जो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक, कर्नाटक में ही आपका ताल कावेरी की पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाटी की पहाड़ियां पेरियार काफी इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, 2012 में जिसे शामिल किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? क्या यह असम में है, बिहार में है, केरल में है या पंजाब में है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर, केरल में पेरियार पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कौन सी? नीलगिरी जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? यह क्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है या तमिलनाडु में है? तो यह इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु है और यह काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, नीलगिरी की पहाड़ियां यह कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? क्या यह तेलंगाना में है, राजस्थान में है, सिक्किम में है या छत्तीसगढ़ में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अन्नामलाई जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई दोस्तों यह भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनेगा। तो यह कहाँ है? त्रिपुरा में है, गोवा में है, केरल में या बिहार में? तो जो इसका करेक्ट आंसर है केरल, केरल में ही आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको इस पे पढ़ना अच्छा लगता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।